दोस्तों, आज की कहानी एक भाई बहन के बीच के रिलेशनशिप को लेकर है जो अपने सौतेले भाई के साथ संबंध बनाती है। कहानी की शुरुआत होती है में हम नोवा नाम की गर्ल को देखते हैं जो अपना सामान पैक कर रही थी और अपने कमरे और अपने घर को बहुत ध्यान से देख रही थी, क्योंकि वो यह घर खाली करके कहीं जा रही थी। नोवा का मूड काफी खराब था क्योंकि वह अपना घर नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन नोवा की मॉम ने जल्दी में दूसरी शादी कर ली थी। नोवा कार में अपनी मॉम को अनाप शनाप बोल रही होती है। दरअसल नोवा की मॉम आज अपने नए पति के साथ शिफ्ट हो रही होती है। जब दोनों वहां पहुंचती है तो हम देखते हैं कि उसका घर बहुत ही शानदार है। नोवा की मॉम का पति उसका इंतजार कर रहा था। वह उनका वेलकम करता है। नोवा की मॉम बहुत खुश थी, पर नोवा का मूड खराब होता है। नोवा अपने सौतेले पिता से बात तक नहीं करती थी क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करती थी। फिर नोवा को गेस्ट रूम दिया जाता है। यह रूम बहुत ही जन्नत सा होता है, पर नोवा को यह पसंद नहीं आता है। इसके बाद नोवा की फ्रेंड का कॉल आता है। नोवा बताती है कि उसके पास सब कुछ है, पर वह अपने सौतेले पिता के हुए किसी भी चीज को पसंद नहीं करती है। और साथ ही नोवा फ्रिज में खाने के लिए कुछ खोज रही थी। नोवा बात करते हुए जाने लगती है, तभी दरवाजे पर वह निक को देखकर डर जाती है। निक उसके सौतेले पिता का बेटा होता है। दोनों का यहाँ पर परिचय होता है। तभी वहाँ निक का डॉग नोवा पर भौंकने लगता है। नोवा उससे डरती है और निक को उसे ले जाने के लिए कहती है। तभी निक कहता है कि शायद तुम गलत जगह पर आ गई हो। इस पे नोवा कहती है कि ये मेरी मजबूरी है जो मुझे यहाँ रहना है, लेकिन निक उसे शांत करा देता है और वह नोवा के बिल्कुल करीब आ जाता है। तभी इसके बाद उसके मॉम डैड आ जाते हैं और वे निक को बताते हैं कि वो आज रात फैमिली डिनर पर जाने वाले हैं। नोवा की मॉम ने नोवा के लिए कुछ ड्रेसेस लिए थे, पर उनमें से कोई ड्रेस नोवा को पसंद नहीं है और सिंपल सा ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है। इसके बाद वो साथ डिनर के लिए जाते हैं, जहां ना चाहते हुए नोवा को उनके साथ वक्त गुजारती है। निक के डैड यहां कहते हैं, निक एक बहुत ही अच्छा बॉय है। वो कोई भी गलत काम, नशा या स्मोकिंग नहीं करता है और इसलिए सब मानते हैं कि निक एक परफेक्ट बॉय है। इसके बाद जब निक किसी काम से जा रहा होता है तो नोवा निक को घर ड्रॉप करने को कहती है। अब निक नोवा को साथ नहीं ले जाना चाहता था, पर उसके डैड के कहने पर निक नोवा को अपने साथ ले जाता है और फिर दोनों कार में बैठकर घर के लिए निकल जाते हैं। कार में नोवा और निक में किसी बात पर बहस हो जाती है, जिसके बाद निक उसे कार से उतरने को कहता है। नोवा जब उसे मना करती है तो नोक उसे वही उतार कर चला जाता है। यहाँ ये जगह काफी सुनसान होती है और उसका मोबाइल भी ऑफ होता है, इसलिए नोवा वहीं पर लिफ्ट का इंतजार करती है। तभी उसे वहाँ एक कार आती हुई दिखाई देती है और नोवा लिफ्ट मांगती है। कार को एक बॉय चला रहा होता है। पहले तो नोवा उस बॉय को देखकर डरने लगती है, फिर उसके बातों से वह उस कार में बैठ जाती है और बताती है कि उसका भाई उसे यहाँ कार से उतारकर चला गया था। वो बॉय नोवा से उसके भाई का नाम पूछता है और जब उसे पता चलता है कि उसके भाई का नाम निक है तो वो हंसने लगता है, क्योंकि वो निक को पहले से ही जानता है। वो बताता है कि निक को पार्टी में जाना था, इसलिए वह तुम्हें यहाँ उतारकर चला गया और मैं भी उसी पार्टी में जा रहा हूँ। अब नोवा भी उसी पार्टी में जाने को रेडी हो जाती है। यहाँ पार्टी चल रही होती है और नोवा की नज़र निक पर जाती है। निक कई गर्ल्स के साथ में अय्यासी कर रहा होता है। इसके बाद वह बॉय नोवा को उस पार्टी के बारे में बताता है और कहता है कि यह एक गैंग पार्टी है, और वह रोनी को दिखाते हुए कहता है कि उससे दूर रहना क्योंकि वह कल ही जेल से छूटकर आया है। नोवा सोचने लगती है कि निक ने तो घर वालों को जरूरी काम बताकर आया हुआ है, पर ये तो यहाँ अय्यासी कर रहा है। नोवा उसे एक छाटा मारकर कहती है कि तुम मुझे अकेला छोड़कर यहाँ अय्यासी कर रहे हो और मैं ये बात डैड को बता दूंगी। अब निक नोवा पर गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मेरे पिता को कुछ मत बताना और तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, और फिर वो उसे उस पार्टी से घर जाने को कहता है, लेकिन वो मना कर देती है और निक वहाँ से चला जाता है। पार्टी में नोवा की एक गर्ल से दोस्ती भी हो जाती है। निक फिर से अय्यासी करने लगता है। अब नोवा भी दूसरे ग्रुप के बॉयज के पास चली जाती है और उनके साथ कोक पीती है। इसके बाद निक आकर उस लड़के को मारने लगता है। नोवा निक पर गुस्सा होने लगती है। इसके बाद नोवा को चक्कर आ जाता है और निक उसे अपने साथ उठाकर घर ले आता है और अपने रूम में उसे सुला देता है। अगली सुबह निक नाश्ता कर रहा होता है, तब नोवा उसके पास आकर कहती है कि रात हमारे बीच क्या हुआ था। तब निक उसे बताता है कि रात हमारे बीच बहुत कुछ हुआ था। यह सुन नोवा परेशान हो जाती है। नोवा निक के दोस्तों के साथ बीच पर जाती है और निक भी उसके पीछे पीछे जाता है। निक पानी के बीच चला जाता है और नोवा उसे देखती रहती है। रात को रेस में निक नोवा को देखता ही रह जाता है क्योंकि नोवा बहुत सुंदर लग रही थी। इसके बाद रेस शुरू होती है और आखिरकार निक की जीत होती है। नोवा यहाँ पार्टी में होती है तो नोवा के फोन पर मैसेज आता है और वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसकी एक दोस्त के साथ किस कर रहा होता है। नोवा का दिमाग खराब हो जाता है। फिर नोवा डांस करती है और एक बॉय के साथ किस करते हुए सेल्फी लेती है ताकि वह उस पिक्चर को भेजकर उसे जला सके।
लेकिन तभी निक वहाँ आ जाता है और वह लड़का वहाँ से चला जाता है। नोवा निक पर बोलती है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मैं जिस बॉय के साथ रहती हूँ तुम उसे भगा देते हो। इस पे निक पूछता है कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो। तब नोवा का फोन निक देखता है तो वो समझ जाता है कि नोवा ये सब क्यों कर रही है। इसके बाद दोनों किस करते हैं और फोटो उसके बॉयफ्रेंड को भेज देते हैं। इसके बाद निक नोवा को उसकी कार में बिठा देता है और उसे ड्रैप करने के लिए निया को खोजने चला जाता है। इधर कार में नोवा को काफी टाइम हो जाता है और निया अब तक नहीं आई थी। इसके बाद निक कार में किसी गर्ल के साथ रोमांस करने लगता है। तभी नोवा के कार के पास एक बॉय आता है और उसके साथ रेस लगाने को कहता है। पहले तो नोवा उसे मना करती है पर बार बार कहने पर वह रेस के लिए मान जाती है। अब नोवा और निक के फ्रेंड के साथ रेस होती है। तभी ये बात निक को पता चल जाती है और वह ट्रैक पर आता है और नोवा को रेस लगाते देख बहुत परेशान होता है और नोवा रेस जीत जाती है। पर इसके बावजूद निक को कार और पैसे देने पड़ते हैं। इसके बाद नोवा उस लड़के पर गुस्सा हो जाती है। फिर रोनी नोवा को गाली देता है जिसकी वजह से निक उसे घूंसा मारता है। इसके बाद दोनों की फाइट होने लगती है। इसी बात से नोवा यहां घबरा जाती है और नोवा डरकर नीचे बैठ जाती है। फाइट के दौरान नोवा हाथ पर किसी के पैर से चोट लग जाती है। इसके बाद निक और नोवा कार में वहां से भाग जाते हैं। कार में निक अपनी रुमाल नोवा के हाथ में बांध देता है और नोवा निक के कार जाने का अफसोस जताती है और माफी भी मांगती है। सुबह नोवा को जगाने उसकी माँ आती है और वह नोवा को बताती है कि उसके पिता ने आज पार्टी रखी है। इसके बाद हम निक को देखते हैं जो एक छोटी सी गर्ल के साथ बैठा होता है जो बीमार थी। सभी लोगों का विश्वास था कि निक पार्टी में जरूर आएगा। पार्टी खत्म हो जाती है और नोवा घर पर उसका इंतजार कर रही होती है। तभी निक घर पर आता है। निक नोवा के पास आकर बैठ जाता है। नोवा उसे बताती है कि वो उसे पसंद करने लगी है। इसके बाद दोनों किस करते हैं। अगले दिन जब नोवा अपनी कार धो रही थी तब निक उसे देखता रहता है। नोवा निक को देखकर अपने बदन पर पानी डालने लगती है। तभी नोवा की मॉम उसके बॉयफ्रेंड डेन को उससे मिलाने के लिए लेकर आती है। नोवा अब अपने बॉयफ्रेंड को पसंद नहीं करती थी। नोवा का बॉयफ्रेंड नोवा को किस करता है पर नोवा अपना मुंह फेर लेती है। डेन कुछ दिन यही रुकने वाला था जो नोवा के लिए मुसीबत थी क्योंकि वह अब डेन से प्यार नहीं करती है। और अब नोवा डेन से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। तब डेन कहता है कि यहाँ पर मैं सिर्फ माफी मांगने आया था। इसके बाद जब निक स्विमिंग पूल में नहा रहा था तब नोवा उसके पास आती है तो निक उसे खींच लेता है और वे दोनों पूल में रोमांस करते हैं और डेन उन्हें किस करते हुए देख लेता है। तब निक का फ्रेंड बताता है कि वह बॉय हमारा बगल वाला है पर डेन यहाँ समझ जाता है कि वह नोवा का भाई है। अब नोवा उसे अच्छे से समझाती है और कहती है कि उनके बीच अब कुछ नहीं हो सकता है। वो निक से ही प्यार करती है और वो डेन से रिक्वेस्ट करती है कि डेन ये बात किसी को न बताए और डेन एक अच्छा बॉय था इसलिए वह किसी को बताए बिना वहां से चला जाता है। लेकिन नोवा पर एक और मुसीबत आ जाती है। उसे कोई अननोन आदमी उसकी पोल खोलने वाला चिट्ठियां भेज रहा था। अगले सीन में नोवा का वर्जिनल बाप दिखाया जाता है जो अपने दोस्त से अपनी पत्नी से बदला लेने के बारे में बात कर रहा था। रात में नोवा के पास निक आता है। नोवा सो रही थी। निक उसे छूने लगता है। निक की आंख खुल जाती है और वह उसे पंच मारती है। निक नीचे गिर जाता है। नोवा निक को देखकर उससे माफी मांगती है कि वो समझी कि कोई उसे तंग कर रहा है। नोवा उसके जख्मों को साफ करती है। फिर एक बार वे फिर से काफी करीब आ जाते हैं। तब नोवा का बॉयफ्रेंड उसे देख लेता है। तब नोवा उससे कहती है कि इस बारे में किसी ने मत कहना और यहाँ से चले जाओ। अगली सुबह नोवा अपने मॉम को अपने बॉयफ्रेंड का खत देती है जो वहाँ से जा चुका होता है। और फिर नोवा और निक अपने दोस्तों के साथ कहीं जाते हैं और अकेले होने पर निक नोवा को बताता है कि वो उससे बहुत मोहब्बत करता है और वह नोवा को किस करने लगता है। इसके बाद इसके दोस्त आ जाते हैं और उन्हें देख लेते हैं। फिर ये दोनों बहुत शर्मिंदा होते हैं। इसके बाद निक फाइट करने जाता है तो नोवा निक को फाइट करने से मना करती है लेकिन निक नहीं मानता है। और फिर नोवा वहाँ से बाहर आ जाती है। यहाँ बाहर उसे निक का दोस्त मिलता है जो नोवा को बहुत पसंद करता था। अब वह किस करने ही वाला होता है कि तभी निक आ जाता है और उसे धक्का देकर भगा देता है। निक नोवा से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और आज के बाद तुम किसी के करीब न जाना। इसके बाद नोवा कहती है कि हमारे बीच कुछ नहीं है और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। इधर नोवा और निक एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं। इसके बाद निक के फादर निक को बताते हैं कि नोवा के डैड जेल से बाहर आ गए हैं जो कि नोवा की मॉम को बहुत ज्यादा मारते थे और नोवा के शरीर पर भी चोट के निशान हैं। निक के पिता ये चाहते थे कि निक उसका ख्याल रखे। इसके बाद निक उनसे वादा करता है कि वह नोवा और उसकी मॉम का हमेशा ख्याल रखेगा। अगले सीन में नोवा जब पार्टी में होती है तो निक उसे कॉल करता है पर नोवा निक का कॉल नहीं उठाती है। इसकी वजह से निक पार्टी में आ जाता है। यहाँ नोवा का पिता भी उस पार्टी में नोवा को अगवा करने के लिए आया हुआ था लेकिन जब वो निक को देखता है तो वह वापस कार में बैठ जाता है। निक को देखकर नोवा वहां से चली जाती है और नोवा की दोस्त नोवा को जिससे नोवा डरने लगती है। निक नोवा को बाहर निकालता है और वे दोनों घर चले जाते हैं। घर पहुंचने के बाद निक उसके कमरे में जाकर सो जाता है। सुबह उसके पिता उन दोनों को एक साथ देख लेता है। निक नोवा की बहन से मिलने अस्पताल जाता है
और फिर नोवा से कहता है कि हमारे घर वाले अब साथ नहीं रहने देंगे। वो दोनों उस रात को यादगार बनाने के लिए समुन्द्र किनारे चले जाते हैं और वहाँ गपा गप करते हैं। वापस लौटते वक्त निक कार से उतरकर कुछ लेने के लिए चला जाता है, तभी निक के साथ फाइट करने वाला बॉय निक को अगवा कर लेता है। इन अपने डैड से इस घटना की जानकारी देता है, तब उसके डैड पुलिस की मदद लेते हैं। इसके बाद पुलिस सीसीटीवी से उस घटना की वीडियो देखती है तो निक उस बॉय को पहचान लेता है। इधर नोवा को उसके डैड ने ही अगवा करवाया होता है। वो नोवा के मॉम को कॉल करते हैं और नोवा के बदले बहुत पैसा मांगते हैं। इस पे निक के डैड पैसे देने को तैयार हो जाते हैं। अगले दिन वे दोनों बताए हुए एड्रेस पर पैसे लेकर पहुंच जाते हैं और पुलिस वाले भी भेस बदल उनकी निगरानी कर रहे होते हैं, लेकिन नोवा का डैड वहां कैमरा लगाया हुआ था जिससे वो उनकी बातें भी सुन रहा होता है। वही पुलिस वालों को पता चलता है कि निक की कार में एक ट्रेकर भी लगा था और वो उस ट्रेकर के जरिए नोवा की लोकेशन का पता लगा लेते हैं। इधर नोवा के पिता को जैसे ही पता चलता है कि उनको ट्रेक कर लिया गया है तो वो नोवा को लेकर वहां से निकल जाते हैं। नोवा यहां कार चला रही थी। नोवा जब कार रोक देती है तो उसके पिता उसके सर पर गन रखकर कार चलाने को बोलते हैं। इधर निक और बाकी लोग उनका पीछा कर रहे थे। निक और नोवा की कार जैसे ही सामने आती है तो नोवा नीचे झुक जाती है। इसके झुकते ही लेडी ऑफिसर शूट करती है और गोली नोवा के पिता को लग जाती है। नोवा भागते हुए निक के पास जाती है और दोनों गले लग जाते हैं। अगली सीन में निक नोवा के रूम में चोरी से आ रहा होता है और उसके रूम में चला जाता है। इसके बाद दोनों रोमांस करते हैं। इधर निक के मॉम डैड भी इनके रिश्ते को स्वीकार कर लेते हैं। इसी के साथ मूवी समाप्त हो जाती है।